गुड इवनिंग क्लास। आज हमारा सोशियोलॉजी लेक्चर 26 कार्ल मार्क्स की थ्योरी एलिनेशन देखेंगे और साथ में एक जो थ्योरी है सोशल एलिनेशन, क्योंकि अगर आप देखोगे एलिनेशन की थ्योरी डिफरेंट है एंड सोशल एलिनेशन डिफरेंट है। तो ये जो सोशल एलिनेशन की थ्योरी थी ये दी गई थी मेलविन सी मैन के द्वारा। तो दिस सेशन इज टेकन बाय मी हर्ष बंसल, IRS ऑफिसर ऑफ इंडियन रेवेन्यू सर्विस। सो अभी का जो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने टेलीग्राम के ग्रुप में देख रहा था काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट थे। भी स्टूडेंट्स को ऐसे था भी सर ने कहीं जो लेक्चर सीरीज है सोशियोलॉजी लेक्चर सीरीज वो डिसकंटिन्यू तो नहीं कर दी। तो मैंने स्टूडेंट्स को एक प्रॉमिस किया था भी जो आपका 50K है 50,000 है तो मैं जहाँ पे आपका नहीं खर्च होने दूंगा। तो ऐसा कोई घबराने की बात नहीं है, वो थोड़ा सा घर पे पर्सनल इमरजेंसी आ गई थी मुझे, तो इसलिए 4-5 दिन बिजी रहा बीच में, तो कोई लेक्चर अपलोड नहीं हुआ। नहीं तो मेरा डेली का ऐसा होता है डेली एक या दो लेक्चर अपलोड हो। तो ऐसे घबराने की कोई बात नहीं है, आपको कहीं कोचिंग ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, हम जो कोर्स पूरा करेंगे। तो ऑलरेडी कार्ल मार्क्स के जो हमने कंसेप्ट है डायलेक्टिक्स, हेगल्स डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, मार्क्स डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन एशियटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, मार्क्स ऑन इंडिविजुअल, कमोडिटी फेटिशिज्म, तो ये ऑलरेडी हमने देख चुके हैं। अब आज का जो कंसेप्ट है, जो आज का लेक्चर है हमारा एलिनेशन एंड सोशल एलिनेशन के इर्द गिर्द घूमेगा। तो ये देखिए एलिनेशन दिखा रखा है एक पिक्चर में, जो एलिनेशन के साइकिल में कैसे जो वर्कर्स हैं वो फंसे हुए हैं और जो कार्ल मार्क्स एलिनेशन की जिन्होंने थ्योरी दी थी तो बता रहे हैं भी उन्होंने कैसे वो अपने चेन्स को ब्रेक करते हैं। तो एलिनेशन का मीनिंग क्या है? एलिनेशन लिटरली मीन्स सेपरेशन फ्रॉम। द कंसेप्ट एलिनेशन डिस्क्राइब्स द इंस्ट्रेंजमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स फ्रॉम वन अनदर और फ्रॉम अ स्पेसिफिक सिचुएशन और प्रोसेस। तो एलिनेशन क्या करता है, मतलब जब कोई एलिनेट होता है तो वो एक सेपरेट सेपरेट अलग अलग सा फील करने लग जाता है। आपने कई बार देखा होगा स्टडी के प्रेशर के कारण काफी बार लोग एलिनेशन फील हो एलिनेटेड फील करते हैं। तो मार्क्स ने अपने बताया था भाई जो एलिनेशन है ये ड्यू टू कैपिटलिज्म कैसे आ रही है। तो मार्क्स हैज कंसीव्ड ऑफ एलिनेशन एज ए फिनोमेना रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ दोज सोसाइटीज इन विच द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूसर इज डिवोर्स्ड फ्रॉम द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड इन विच डेड लेबर डोमिनेट्स लिविंग लेबर द वर्कर। आगे क्या होता था, जो वर्कर होते थे उनका जो अपनी लेबर पे क्या था, एक कंट्रोल होता था, एक मींस ऑफ प्रोडक्शन पे कंट्रोल होता था। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, जिसके पास कैपिटल है भले उसको कुछ आइडिया नहीं है कैसे प्रोसेस करनी है, बट जिसके पास कैपिटल है वो क्या है, उसके पास मींस ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसीलिए जो एलिनेशन है भी अभी क्या है, एक पर्सन काम करता है लेकिन उसको लगता है कि वो अपने लिए काम नहीं कर रहा, किसी और के लिए काम कर रहा है, तो ये एलिनेशन की थ्योरी। तो कार्ल मार्क्स बता रहे हैं मतलब एलिनेशन कैसे, जो एक जो एलिनेशन है वो कैसे एक कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ द कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन मार्क्स एनालिसिस ऑफ बुर्जुआ सोसाइटी दे आर टू डायरेक्टली रिलेटेड बट पार्शली सेपरेबल सोर्सेज ऑफ एलिनेशन रूटेड इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन। द फर्स्ट डिजीज एलिनेशन इज द लेबर प्रोसेस इन द प्रोडक्टिव एक्टिविटी ऑफ द वर्कर। द सेकेंड इज एलिनेशन ऑफ द वर्कर फ्रॉम हिज प्रोडक्ट दैट इज फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द रिजल्ट ऑफ लेबर पर्सन। तो एक तो देखिए जो एलिनेशन है भी कैसे कैपिटलिज्म मोड ऑफ प्रोडक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो उसमें बता रहे हैं भी एलिनेशन दो तरह की है, वैसे तो ये चार तरह की एलिनेशन होती है लेकिन जो मेनली है भी एक तो लेबर प्रोसेस से है और एक जो प्रोडक्टिविटी एक्ट, एक तो लेबर प्रोसेस से पर्सन एलिनेटेड है और एक प्रोडक्ट से एलिनेटेड है। फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस गिवन रेफर टू फॉर्मर एज ए टेक्नोलॉजिकल एलिनेशन एंड लेटर एज ए मार्केट एलिनेशन। तो अगर आपने देखा होगा जो उनकी फिलोसफिकल इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट थे 1844 में पब्लिश हुए थे, तो मार्क्स ने फोर एस्पेक्ट बताए एलिनेशन के, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड एलिनेशन फ्रॉम द सेल्फ। तो ये चार तरह की एलिनेशन है, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेल्फ। तो ये फोर टाइप्स आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है।
ये टर्म है एलिनेशन, ये आप पेपर टू में भी यूज कर सकते हो। जो 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 कंसेप्ट्स हैं, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंट या फ्रॉम द सेल्फ, तो पेपर टू में जब वर्कर्स मूवमेंट पीजेंट मूवमेंट ट्राइबल मूवमेंट्स इन सब की बात आती है, तो आप जो कंसेप्ट हैं जी एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट, एलिनेशन फ्रॉम द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, तो ये सब जो कंसेप्ट्स हैं ये आप यूज कर सकते हो। क्योंकि आपको मैंने बताया ये फॉर्मूला भी पेपर टू में अगर आपने नंबर लेकर आने हैं तो उसको नंबर लेकर आने के लिए आपको पेपर वन की कंसेप्ट यूज करने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं भी एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट कैसे होता है। दे आर एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट दे मेक बिकॉज इट इज डिजाइंड एंड डायरेक्टेड बाय अदर्स एंड बिकॉज इट अर्न्स ए प्रॉफिट फॉर द कैपिटलिस्ट एंड नॉट द वर्कर थ्रू द वेज लेबर एग्रीमेंट। तो ये देखिए एलिनेशन फ्रॉम द प्रोडक्ट कैसे है। उस बंदे ने एक प्रोडक्ट बनाया अपना, जैसे पेन है, तो उसने पेन बनाया लेकिन वो पेन को यूज नहीं कर सकता क्योंकि उसको क्या है, उसको सिर्फ अपनी जो फिक्स लेबर है वो चाहिए, वो मिलेगी। तो जैसे अगर आप देखोगे BMW का जो वर्कर है वो BMW का कार बना रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है भी वो BMW कार को ऑन करेगा, तो इसलिए क्या होगा, वो ही इज एलिनेटेड फ्रॉम द, ही और शी इज एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्ट। दे आर एलिनेटेड फ्रॉम द प्रोडक्शन वर्क इटसेल्फ व्हिच इज एंटायरली डायरेक्टेड बाय द समवन एल्स, हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, रेपिटेटिव, क्रिएटिवली अनरिवॉर्डिंग, फर्दर इट इज वर्क दैट डू नॉट ओनली बिकॉज द नीड फॉर द वेज ऑफ सर्वाइवल। तो अगर आप देखोगे जो प्रोडक्शन वर्क है वो रेपिटेटिव है, कोई रिवॉर्ड नहीं है, एक बता रखा है भी जहां पे आपको यही काम करना है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है, तो बंदा इसमें क्या करेगा, आप होता ही है एक तरह का मोनोटोनस रूटीन हो तो पर्सन क्या करता है, एलिनेशन फील करने लग जाता है। तो जहां पे वो प्रोडक्शन वर्क से क्या फील कर रहा है, एलिनेशन फील कर रहा है। दे आर एलिनेटेड फ्रॉम द ट्रू इनर सेल्फ डिजायर्स एंड परसूट ऑफ हैप्पीनेस बाय द डिमांड्स प्लेस्ड ऑन देम बाय सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर एंड बाय द कन्वर्जन इनटू एन ऑब्जेक्ट बाय द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन व्हिच व्यू एंड ट्रीट देम एज नॉट एज ए ह्यूमन सब्जेक्ट बट एज ए रिप्लेसेबल एलिमेंट्स ऑफ अ सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। तो जहां पे वो एलिनेशन फ्रॉम द सेल्फ, क्योंकि जहां पे कोई उसको ऐसे नहीं, कोई उसको वैल्यू करेगा, अगर कैपिटलिस्ट है तो वो क्या देखते हैं, भी लेबर है, अगर आज ये नहीं आएगा तो कल को कोई और आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। अगर आपने देखा होगा अभी जो माइग्रेंट क्राइसिस था COVID-19 के टाइम, तो कैपिटलिस्टों ने सोचा नहीं भी, जन के जो माइग्रेंट थे इन्होंने इतना टाइम हमारा काम किया, लेकिन जब उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आई उन्होंने निकाल दी सभी जॉब से, तो अभी वो क्या फील करेंगे, एलिनेटेड फ्रॉम द सेल्फ, क्या जिंदगी है हमें जो पैदल चलना पड़ रहा है सड़कों पर। दे आर एलिनेटेड फ्रॉम द अदर वर्कर्स बाय सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन व्हिच पिट्स देम अगेंस्ट ईच अदर इन अ कॉम्पिटिशन टू सेल देयर लेबर फॉर द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो अभी सिस्टम ऑफ जो प्रोडक्शन है तो वहां पे भी एलिनेशन फील कर रहे हैं क्योंकि उनको कॉम्पिटिशन है। क्योंकि अगर आज देखोगे ये वर्कर कहेगा मैं 500 रुपया लेता हूँ पर डे का, दूसरा कह रहा है मैं 450 ले लूंगा पर डे लेबर का, तो इस तरह क्या है, मतलब अपनी वैल्यू खुद ही कम कर रहे हैं, तो एक तरह का वो एलिनेट फील करेंगे। दैट दिस फॉर्म ऑफ एलिनेशन सर्व्स टू प्रिवेंट वर्कर फ्रॉम सीइंग एंड अंडरस्टैंडिंग द शेयर्ड एक्सपीरियंस एंड प्रॉब्लम्स, इट फॉस्टर फॉल्स कॉन्शियसनेस एंड प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ ए क्लास कॉन्शियसनेस। तो मतलब आप देखिए आपस में कंपीट कर रहे हैं, एलिनेटेड है, तो क्या होता है जब आपस में कंपीट कर रहे हैं, तो वो नहीं देखेंगे भी एक्चुअली एंड में क्या होगा, दोनों का नुकसान होगा। तो उसके कारण क्या है, जो फॉल्स क्लास कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होती है, और जो एक ट्रू क्लास कॉन्शियसनेस जो रेवोल्यूशन के लिए चाहिए वो नहीं डेवलप होती। तो बाकी इसमें क्या है, नितिन सांगवान की बुक में भी आप इसको देख लीजिए टॉपिक को, एलिनेशन के टॉपिक को। तो सिग्निफिकेंस ऑफ एलिनेशन थ्योरी क्या है, तो अगर कार्ल मार्क्स ने कुछ थ्योरीज दी हैं तो उसकी कुछ सिग्निफिकेंस भी होती है। तो सिग्निफिकेंस यही है भी जो जैपनीज कैपिटलिज्म है उसने देखा भी वर्कर्स जो एलिनेट हो रहे हैं, तो उन्होंने कंसेप्ट लेकर आया जॉब रोटेशन का, मतलब 2 हफ्ते जहां पे इस वीक, 2 हफ्ते जहां पे काम कर, 2 हफ्ते किसी और जॉब में काम, ताकि वर्कर्स वो एलिनेशन फील ना करो। अगर जैपनीज कैपिटलिज्म, जैपनीज जो इकोनॉमी है ना, लोग भी वहां पे समझते हैं चीजों को, ऐसा नहीं है मतलब खाया पिया
सड़क पे फेंक दिया। मान तो इंडिया में जहां पे सिविक सेंस ही नहीं है, सिविक सेंस तो मींस अगर आप देखोगे जहां पे किसी ने कभी इंडिया को इंडिया समझा ही नहीं, लेकिन जापान में देखिए जब उनका वर्ल्ड वॉर टू में सब कुछ खत्म हो गया था, लेकिन आज भी देखिए थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। ऐसा नेशनलिज्म हमें चाहिए, नेशनलिज्म ये नहीं चाहिए भी जहां पे हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ते, हिंदू मुस्लिम अपर कास्ट लोअर कास्ट ये कर रहे हैं। जैपनीज कैपिटलिज्म जहाँ पे उन्होंने अपनी कंट्री में प्राउड फील किया, अगर आप उनकी ज्योग्राफी देखोगे जहाँ पे बहुत अर्थक्वेक्स आते हैं, एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्टिव लैंड नहीं है, बट स्टिल देखिए क्या वंडर्स कर रहे हैं वो। तो ये जैपनीज कैपिटलिज्म ने एलिनेशन थ्योरी से क्या सीखा, उन्होंने अपने जो कैपिटलिज्म में था जॉब रोटेशन का कंसेप्ट लेकर आए। कैपिटलिस्ट कलेक्टिव बार्गेन विद द ट्रेड यूनियंस, तो ट्रेड यूनियन कौन होती है, ट्रेड यूनियन जो ग्रुप ऑफ वर्कर्स हु हैव फॉर्म टू प्रोटेक्ट देयर प्रोफेशनल राइट्स एंड इंटरेस्ट इज इन नेगोशिएटिंग हायर वेजेस हेल्थ केयर पेंशन वर्क प्लेस सेफ्टी एंड अपहोल्डिंग द रेपुटेशन ऑफ देयर ट्रेड। तो ये देखिए जो कैपिटलिस्ट है वो क्या कर रहे हैं, कलेक्टिव बार्गेन विद द ट्रेड यूनियन, तो मतलब ट्रेड यूनियंस जो हैं जो बन जाती हैं यूनियंस जो वर्कर्स के इंटरेस्ट का ध्यान रखती हैं, तो उनके साथ बार्गेन करते हैं ताकि कोई एलिनेटेड ना फील हो, या आपको कितने घंटे काम करना है, क्या क्या फैसिलिटी चाहिए, सब चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो ये क्यों कर रहे हैं वो, क्योंकि उनको पता है कि अगर एलिनेटेड फील करेंगे, तो अगर सभी वर्कर एलिनेटेड फील करने लग गए तो एंड में लॉस किन का है, ऑफ द कैपिटलिस्ट। तो कलेक्टिव बार्गेन विद द ट्रेड यूनियंस। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ने क्या देखा, उन्होंने अपना एक नया प्रोग्राम शुरू किया हीरो ऑफ द वर्क मेडल, ताकि जो कोई भी एक तरह का उसको लगे भी मेरा वर्क रिवॉर्डिंग है, तो जहाँ पे एलिनेशन ना फील हो। और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज द बेस्ट कंट्रीज फॉर ह्यूमन हैबिटेशन, आप अगर इनके बारे में पढ़ोगे आप देखोगे जो वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम है एक स्कैंडिनेवियन कंट्री फिनलैंड में, फिनलैंड जहाँ पे अगर आप देखोगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैप्पीनेस इंडेक्स सभी इंडेक्सेज में ये हाई परफॉर्म करते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। तो जहाँ पे जिन्होंने क्या शुरू किया हीरो ऑफ द वर्क मेडल, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ प्रोग्राम, द एम्प्लॉय ऑफ मंथ प्रोग्राम इज टाइप ऑफ रिवॉर्ड प्रोग्राम गिवन आउट बाय द कंपनीज टू इनकरेज द स्टाफ टू वर्क हार्डर एंड मोर प्रोडक्टिवली। तो एम्प्लॉयमेंट ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ प्रोग्राम क्यों था, क्योंकि वही था एक अवार्ड दो ताकि उसको लगे मेरा वर्क रिवॉर्ड हो रहा है, वो एलिनेटेड ना फील करें। आप देखिए जो कॉर्पोरेट कैंपस है इनोवेटिव डिजाइन, अगर आप देखोगे जहाँ पे सारा कुछ होता है मीन सब कुछ होता है, बीच में बार होगा बियर बार या ड्रिंक्स करने के लिए, जहाँ पे एक्टिविटीज करने के लिए वो पूल के टेबल्स वगैरह सब पूल टेबल्स वगैरह दे रखे हैं, टेनिस टेबल टेनिस वो जो होते हैं उनके वो दे रखे हैं बोर्ड वगैरह सब कुछ दे रखा है। तो क्यों कर रखा है, ताकि वो जो वर्कर्स है वो एलिनेटेड ना फील हो। अगर आप देखोगे कूल कैंपस का आजकल कंसेप्ट है गूगल माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आप सर्च करोगे, तो जो इनोवेटिव डिजाइन है जो कैंपस के जो इसलिए है ताकि वर्कर्स क्या ना फील करें एलिनेशन ना फील करें। कैजुअल कल्चर एट वर्क और इनफॉर्मल वर्क कल्चर, अगर आपने देखा होगा आगे क्या था, पहले वो फॉर्मल आपको ड्रेस वो कपड़े पहन के जाने पड़ते थे, टाई लगा के जानी पड़ती थी, अब क्या है शॉर्ट्स पहन के जाओ कोई इशू नहीं है, टाइमिंग्स का कोई इशू नहीं है, वर्क फ्रॉम होम, अगर आपने घर पे बैठ के काम करें तो वो भी कर सकते हो। तो मीन्स ये क्यों है जो कैजुअल वर्क कल्चर या इनफॉर्मल वर्क कल्चर है वो क्यों है, ताकि एलिनेशन ना फील हो। पार्टीज होती है कॉर्पोरेट्स में, तो ये सब चीजें क्यों सीख रहे हैं, ये सिग्निफिकेंस है जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। लेकिन रॉबर्ट ब्लॉनर अभी कुछ क्रिटिसिज्म है एलिनेशन पे, रॉबर्ट ब्लॉनर ने कहा जो रॉबर्ट ब्लॉनर ने कहा था मेरे कार्ल मार्क्स कह रहा है एलिनेशन एक स्पेसिफिक सभी को होगी होगी, तो रॉबर्ट ब्लॉमर क्या कह रहे हैं
भी जो साइकोलॉजिकल स्टेज है, नॉट एब्सोल्यूट, मल्टीपल स्टेजेस पे होती है। वो मल्टीपल स्टेजेस कौन कौन सी है? होपलेसनेस, मीनिंगलेसनेस, आइसोलेशन, सेल्फ इंस्ट्रेंजमेंट एंड सोशल इंस्ट्रेंजमेंट। तो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस हैं, और इसी का कारण है भी अगर यूनिफॉर्म एक्सपीरियंस नहीं है, सभी सेम एक्सपीरियंस नहीं फील कर रहे, तो विच कुड कॉन्ट्रीब्यूट फॉर द क्लास रेवोल्यूशन। तो इसलिए रेवोल्यूशन नहीं होगी, क्योंकि अगर सभी सेम करेंगे एलिनेशन फील, तभी वो उनकी क्या होगी? यूनिफिकेशन होगी। बट सभी को कहे जहाँ पे तो एलिनेशन क्या है, डिफरेंट स्टेजेस में है, तो सभी एक यूनिटी नहीं फील करेंगे। ये एलेक्स इंक्लेस एंड डेविड हॉटन स्मिथ की एक बुक थी, बिकमिंग मॉडर्न, इंडिविजुअल चेंज इन सिक्स डेवलपिंग कंट्रीज। उन्होंने बताया भी जो डिग्री ऑफ एलिनेशन है एसोसिएटेड विद डिफरेंट काइंड ऑफ वर्कर एंड डिफरेंट एंटरप्राइज। भी ऐसा नहीं भी एलिनेशन सभी जो कैपिटलिस्ट की इंडस्ट्री है सभी के साथ यूनिफॉर्म है। जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, इन्होंने पाया भी जहां पे एलिनेशन सबसे ज्यादा है, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट, गर्थ एंड मिल्स। उन्होंने कहा अगर ऑटोमेशन कॉज है एलिनेशन का, तो सॉल्यूशन भी एलिनेशन का कौन है? ऑटोमेशन ही है। क्योंकि अगर आपने देखा होगा कुछ ऐसे रेपिटेटिव वर्क हैं जिसके कारण लगता है यार सेम काम रिपीट कर, तो आज उसका क्या हो रहा है? ऑटोमेशन हो रहा है। तो अगर ऑटोमेशन एलिनेशन की प्रॉब्लम की है, तो ऑटोमेशन ही सोल्यूशन भी निकाल रहा है एलिनेशन का। तो ये गर्थ एंड मिल्स ने कहा। तो अगर आपने देखा होगा, तो एक बार अगर आप नितिन सांगवान से देखोगे कुछ क्रिटिसिज्म उसमें भी लिखे हुए हैं, तो उसको क्लब कर दोगे आप, तो ये आपका एक कॉम्प्रेहेंसिव आंसर बन जाएगा। तो अभी आप देखते हैं सोशल एलिनेशन, क्योंकि क्या होता है भी हो सकता है वो सोशल एलिनेशन पूछे, आप एलिनेशन समझ के वर्ड देखा एलिनेशन और कार्ल मार्क्स की थ्योरी लगा दी। तो सोशल एलिनेशन डिफरेंट कंसेप्ट है, एलिनेशन डिफरेंट कंसेप्ट है। एलिनेशन इज थ्योरेटिकल कंसेप्ट डेवलप्ड बाय कार्ल मार्क्स दैट डिस्क्राइब द फॉर द आइसोलेटिंग डीह्यूमनाइजिंग एंड डिस इंचांटिंग इफेक्ट्स ऑफ वर्किंग विद इन कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन पर मार्क्स इज ए कॉज फॉर द इकोनॉमिक इटसेल्फ, इकोनॉमिक सिस्टम इटसेल्फ। बट सोशलाइजेशन क्या है? एक ब्रॉड कंसेप्ट है, क्योंकि वो मार्क्स अगर देखोगे वो सिर्फ क्या है? इकोनॉमिक सिस्टम के कारण होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। हमारे जहाँ पे दलित एलिनेटेड फील कर रहे हैं इंडिया में, क्यों फील कर रहे हैं? ड्यू टू कास्ट सिस्टम, जो क्या है? सोशल रीजन है। पुअर एलिनेटेड फील कर रहे हैं क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम, क्योंकि जहां पे क्या है? पॉलिसी प्रॉपर नहीं बना रहे पॉलिटिशियन, तो पॉलिटिकल रीजन। तो सोशल एलिनेशन इज अ मोर ब्रॉड कंसेप्ट यूज्ड बाय सोशियोलॉजिस्ट टू डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स दैट फील डिस्कनेक्टेड फ्रॉम द वैल्यूज, नॉर्म्स, प्रैक्टिसेस एंड सोशल रिलेशंस ऑफ देयर कम्युनिटी और द सोसाइटी फॉर अ वैरायटी ऑफ सोशल स्ट्रक्चर रीजंस इंक्लूडिंग एंड इन एडिशन टू द इकॉनमी। Those experiencing socialization do not share the common mainstream values of society and not well integrated into society. Its groups, institutions and are more socially isolated from the mainstream. Mainstream is compound just like tribes. तो अगर आप देखोगे ये जो सोशियोलॉजिस्ट मेलविन सीमेन है, उसने एक ब्रॉडर थ्योरी बताई सोशलाइजेशन की। मेलविन सीमेन प्रोवाइडेड अ रॉबस्ट डेफिनेशन ऑफ सोशलाइजेशन इन पेपर पब्लिश 1959 टाइटल ऑन द मीनिंग ऑफ एलिनेशन। द फाइव फीचर ही एट्रिब्यूट टू द सोशलाइजेशन होल्ड ट्रू टुडे। हाउ सोशियोलॉजी स्टडी दिस फिनोमेना, दे आर पावरलेसनेस। कई बार ऐसे होता है भाई यार, आप जाते हो सिस्टम में तो कोई बात ही नहीं सुन रहा आपकी, तो आप फील करते पावरलेसनेस। When the individuals are socially alienated, they believe that what happens in their lives is outside of their control and what they do ultimately does not matter. They believe they are powerless to shape their life. तो ऐसा आप भी फील करते हो, ऐसा मैंने भी फील किया, क्योंकि जहाँ पे ना कोई सुनता ही नहीं है इंडिया में, कहने को तो हम डेमोक्रेसी हैं, तो पहले जब प्रेपरेशन के टाइम क्या था, प्रेपरेशन से पहले मैंने प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की थी, तो एक केस सा हो गया था, तो मैं पापा के साथ ना पुलिस स्टेशन गया, तो वहाँ पे जो कांस्टेबल था वो भी बात नहीं सुन रहा था,
और अभी आज के टाइम पे क्या है भाई, अगर कोई ऐसा इशू होता है, जेन्युइन इशू है, तो एक फोन कर देते हैं जी, देख लीजिए प्लीज का। तो ये पावरलेसनेस, तो इसीलिए यूपीएससी, मैं कई बार हंसता होता हूँ भी, जो ये हैं मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस, इन्होंने आईसीएस जो इंपीरियल सिविल सर्विस है बहुत अच्छी चीज बनाई, क्योंकि जो ये मिडिल क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं, जब मिडिल क्लास के जो वो होते स्टूडेंट्स हैं, तो उनको एकदम से ये स्टेटस चेंज कर देते। तो प्लीज इसलिए आपको अगर पावरलेसनेस नहीं फील करनी, तो इसको सीरियस होके पढ़िए यूपीएससी प्रिपरेशन। मीनिंगलेसनेस, व्हेन एन इंडिविजुअल डज नॉट डिराइव मीनिंग फ्रॉम द थिंग्स इन विच ही और शी इज इंगेज, और एटलीस्ट नॉट द सेम कॉमन और नॉर्मेटिव मीनिंग दैट अदर डिराइव फ्रॉम इट, तो मीनिंगलेसनेस फील करते हैं। सोशल आइसोलेशन, व्हेन ए पर्सन फील दैट दे डू नॉट मीनिंगफुली कनेक्टेड टू देयर कम्युनिटी थ्रू शेयर्ड वैल्यूज बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस, एंड व्हेन दे डू नॉट हैव ए मीनिंगफुल सोशल रिलेशनशिप विद अदर पीपल। सेल्फ इंस्ट्रेंजमेंट, व्हेन ए पर्सन एक्सपीरियंस सोशल आइसोलेशन दे मे डिनाई देयर ओन पर्सनल इंटरेस्ट डिजायर इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई डोमिनेंट प्लेस्ड बाय अदर्स एंड बाय सोशल नॉर्म्स। तो अगर आप देखोगे, अगर आपने यही आप यूपीएससी क्लियर करते हो, तो किसी तरह की आपको कभी फील नहीं होगी मीनिंगलेसनेस। कैसे फील होगी? क्योंकि आप लोगों की हेल्प कर रहे हो, किसी गरीब की हेल्प कर रही है, आपका एक साइन लाखों लोगों की लाइफ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, तो आपको लगेगा भी हाँ मैं कुछ मीनिंगफुल कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ। कभी सोशल आइसोलेशन नहीं फील करोगे, और सेल्फ इंस्ट्रेंजमेंट, कभी आपको लगता है भी अगर कोई आईएएस ऑफिसर है उस पर कुछ सोसाइटी अपने नॉर्म्स इम्पोज करेगी जो कि एग्रेसिव नॉर्म्स होंगे, इंटरकास्ट मैरिज नहीं करनी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सेल्फ इंस्ट्रेंजमेंट कभी फील नहीं करेंगे। तो यही है द ब्यूटी ऑफ यूपीएससी। कॉजेस कौन कौन से सोशलाइजेशन के हमारे जहाँ पे, जैसे इंडिया में सोशलाइजेशन कौन कौन से ग्रुप फील करते हैं? डिफरेंटली एबल्ड, ओल्ड एज, जब उनको उनके बच्चे ही घर पे नहीं सुनते, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, तो वो क्या फील करते हैं? द फीलिंग ऑफ एलिनेशन। एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी, तो ये भी बहुत एलिनेशन फील करते हैं। जैसे अगर आपने देखा होगा ट्रांसजेंडर पर्सन, तो लोग कहते हैं ट्रांसजेंडर पर्सन उनको तंग करते हैं। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता देता हूँ, ट्रस्ट मी, मुझे मतलब हम सीपी में, दिल्ली में रहते हैं, तो दिल्ली में जब रहता था तो सीपी में कभी घूमते थे तो ट्रांसजेंडर पर्सन हमें मिल जाते थे, तो कभी किसी ने कभी तंग नहीं किया। क्योंकि वही बात है ना, आप उनको जब रिस्पेक्ट दोगे तो क्यों तंग करेंगे वो। मैं तो क्या करता हूँ, जब भी कोई ट्रांसजेंडर पर्सन मिलता है तो 10-20 रुपये मैं दे देता हूँ, जो भी है मतलब भी, अगर वो होते तो मैं दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो ट्रांसजेंडर पर्सन है, जो अगर वो बैगिंग कर रहे हैं, इफ दे आर बैगिंग, तो उनकी एक मजबूरी है, क्योंकि उनके पास सिर्फ दो ही रीजन है अपने लाइवलीहुड के लिए, बैगिंग या प्रोस्टिट्यूशन। तो प्रोस्टिट्यूशन से अच्छा तो उनको आप जो भी है कभी 20 रुपये दे दीजिए, 50 रुपये दे दीजिए। बट मैं जब भी कोई चिल्ड्रन अगर वो करता है भीख मांगते, तो उनको मैं नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है चिल्ड्रन के जो पीछे है वो एक बहुत बड़ा चाइल्ड बैगिंग माफिया है। उनको मैं पूछ देता हूँ, अगर कुछ खाना है बेटा तो खा लो, बट पैसे नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, कुछ खाना है तो खा लो। तो ये चीजें, कुछ चीजें हैं मतलब, अब अगर आप देखोगे जब पीपल ऑफ नॉर्थ ईस्ट, तो ये बहुत एलिनेशन फील करते जब इंडिया में आते, इंडिया मतलब जब मेन स्ट्रीम इंडिया में आते, क्योंकि अगर आपने देखा होगा, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है, जहाँ पे जो सेंट्रल इंडिया में आते हैं फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट लाइक दिल्ली, यूपी, बिहार या कोई भी कैपिटल सिटी में जाते हैं, क्योंकि अगर आपने देखा होगा जो नॉर्थ ईस्ट है बहुत ही, जिसको बोलते हैं चिकन स्नैक, सिलीगुड़ी कॉरिडोर, उससे कनेक्ट हुआ है इंडिया से, जो मतलब मेन इंडिया है, जो मेन स्ट्रीम इंडिया है,
नॉर्थ ईस्ट, तो ये भी इंडियंस हैं, लेकिन हमारे जहाँ पे देखोगे अगर आप, तो इनके साथ स्टीरियोटाइपिंग होती है, तो कोई इनको चिंकी, चीनी, जापानी, बट दे आर इंडियंस, तो हम उनको वैलिनेट करते हैं। तो प्लीज क्लास, मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अगर कोई भी नॉर्थ ईस्ट के लोग मिले आपसे, तो उनको प्लीज ये चीज मत कहना, दे आर इंडियंस, क्योंकि तो आप ऐसा करते हो उनको तो वो एक आइसोलेशन फील करते हैं, एलिनेटेड फील करते हैं, और इसीलिए जो जो आप देखोगे नॉर्थ ईस्ट में सेपरेटिस्ट जो भी ये मूवमेंट्स हैं इसलिए चलते हैं। तो प्लीज ये आप गलती मत कीजिएगा। मेरे तो जब भी मतलब मेरे ट्रेनिंग में अगर आप देखोगे, क्योंकि मुझे ना एक जो चीज समझ आ गई भी, इंडिया क्या है, इंडिया एक आइडिया है, इंडिया को जोग्राफिक स्पेस का नाम नहीं है, इंडिया का आइडिया है। वो आइडिया क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। मेरे अगर आप ट्रेनिंग में देखोगे, मेरे दोस्त नॉर्थ ईस्ट से भी हैं, साउथ इंडिया से भी हैं, वेस्टर्न इंडिया से भी है, ईस्टर्न इंडिया से भी हैं, नॉर्थ से तो है ही है दोस्त, क्योंकि वही है, सभी का कल्चर डिफरेंट है। कल्चर को समझने की कोशिश करो, रिस्पेक्ट करो डिफरेंट कल्चर्स। तो ये जो इंडिया का आइडिया है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का, उसको प्रमोट करेगा। तो हमारे जहां पे सोशलाइजेशन और कौन फील करता है, दलित, माइनॉरिटीज, मुस्लिम्स। तो ये चीजें आपको याद रखनी है सोशलाइजेशन। तो ये प्लीज मतलब ये चीजों का आपने ध्यान रखना है भी, जो आप जो भी स्टीरियोटाइपिंग करते हो प्लीज मत कीजिए, एक अच्छे नागरिक, गुड सिटीजन, ताकि जब जो इंडिया है आप पे प्राउड फील करे। तो कॉजेस क्या क्या है सोशलाइजेशन के, इन एडिशन टू कॉज ऑफ वर्किंग एंड लिविंग विद इन द कैपिटलिस्ट सिस्टम एज डिस्क्राइब्ड बाय मार्क्स, सोशियोलॉजिस्ट रिकॉग्नाइज द कॉजेस ऑफ अदर कॉजेस ऑफ एलिनेशन, इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड द सोशल अपहेवल दे टेंड टू गो विद हैज बीन डॉक्यूमेंट टू लीड टू ए व्हाट डू थिंक कॉल्ड एनोमी, ए सेंस ऑफ नॉर्मलेसनेस दैट फॉस्टर सोशलाइजेशन। अगर आपने देखा होगा इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, कोविड-19 के कारण क्या हुआ, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई। तो इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आई तो क्या हुआ, नॉर्मलेस टाइप सिचुएशन हो चुके, लोग भूखे मर रहे हैं, तो क्या हुआ, सोशल एलिनेशन। मूविंग फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर और फ्रॉम वन रीजन विद इन कंट्री टू वेरी डिफरेंट रीजन विद इन, इट कैन ऑल्सो डिस्टेबलाइज ए पर्सन नॉर्म प्रैक्टिस एंड सोशल रिलेशन इन सच ए वे दैट एज टू कॉज सोशल एलिनेशन। अगर आप देखिए घर पे रह रहे हो, कई बार क्या होता है आपको डेली प्रेपरेशन करने के जाना पड़ता है, तो आप देखते हो भी जहाँ पर सब कुछ ही डिफरेंट है, दाल में क्या दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, दाल तो दे ही नहीं रहे टिफिन सिस्टम में, तो एक आप एलिनेटेड फील करते हो, कहाँ फंस गया यार मैं। ये चीजें क्या है सोशल एलिनेशन की। सोशियोलॉजिस्ट हैव आल्सो डॉक्यूमेंटेड डेमोग्राफिक चेंजेस विद इन पॉपुलेशन कैन कॉज सोशल आइसोलेशन फॉर सम हु फाइंड देमसेल्फ नो लॉन्गर इन द मेजोरिटी इन टर्म ऑफ रेस, रिलीजन, वैल्यूज एंड वर्ल्ड व्यूज। For example, socialization also results from the experience of living at the lower ranks of social hierarchy of race and class. अगर आप देखोगे आज ये ब्लैक लाइफ मैटर मूवमेंट, जॉर्ज फ्लॉयड प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अब उनका क्या हो गया था, भी एक हो जाता नहीं मतलब जिसको कहते हैं भी इंतहा हो गया अभी इस चीज की, तो उन्होंने एलिनेशन इतनी ज्यादा फील कर लिया, अब कहते हैं बस और नहीं करनी, तो इसलिए आप देखोगे पूरे वर्ल्ड वाइड ये मूवमेंट बन गई। मैनी पीपल ऑफ कलर एक्सपीरियंस सोशलाइजेशन एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सिस्टमैटिक रेसिज्म, पुअर पीपल इन जनरल बट स्पेशली दोज हु लिव इन पॉवर्टी एक्सपीरियंस सोशल आइसोलेशन बिकॉज दे आर इकोनॉमिकली अनेबल टू पार्टिसिपेट इन सोसाइटी इन वे दैट इज कंसिडर्ड नॉर्मल। तो जो कॉजेस है सोशलाइजेशन के, तो मैंने इंडिया में बताया आपको सोशलाइजेशन क्या क्या है। तो प्लीज इन चीज़ों का ध्यान रखिए, ताकि हमारा जो इंडिया का आइडिया है उसको हम सदियों तक मेंटेन करते रहें। क्योंकि अगर आप देखोगे हमारे जहाँ पे टॉलरेंस थे डिफरेंट कल्चर्स को लेकर, तो इसलिए जो शायर था एक फेमस, भी रूस यूनान मिस्र सब मिट गए जहाँ से, कुछ तो बात है जो हस्ती मिटती नहीं हमारी, द ग्रेट सिविलाइजेशन ऑफ रोम, ग्रीस एंड इजिप्ट वेंट इन टू अबलिवन आफ्टर देयर हे डे, बट इंडियन सिविलाइजेशन स्टिल फ्लोरिशिंग। क्यों था, टॉलरेंस थी, टॉलरेंस टू डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट पीपल। लेकिन अगर आज देखोगे हिंदू मुस्लिम ये जो खो रहा है, तो प्लीज आप इन चीजों से दूर रहिए,
एक अच्छे नागरिक बनिए। तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स हाउ आर ह्यूमन बींग्स एलिनेटेड फ्रॉम देयर ह्यूमन पोटेंशियल एंड व्हाट डज ही सजेस्ट टू चेंज इट। तो आपको पता है कार्ल मार्क्स क्या बोलेगा, रेवोल्यूशन करो, सोशलिज्म और कम्युनिज्म इनमें क्या होगी, एलिनेशन नहीं होगी। आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस बिटवीन द मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशन एंड डुर्खिम थ्योरी ऑफ एनोमी। तो ये आई बटन में आप देख लीजिएगा, जो जहाँ पे आई बटन आता है आपका, तो जहाँ पे अगर आप देखोगे, मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो आपको पढ़ा रखी है, एक लेक्चर आप ऑलरेडी आपको पढ़ा रखा है डुर्खिम की जो थ्योरी है एनोमी, तो उसमें मैंने जो कार्ल मार्क्स की थ्योरी थी एलिनेशन वो कंपेयर की थी। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एलिनेशन, राइट शॉर्ट नोट एलिनेशन डेवलपिंग सोसाइटी मैंने आपको बता रखा है, राइट शॉर्ट नोट एलिनेशन मॉडर्न सोसाइटीज, तो मॉडर्न सोसाइटीज यूएसए, तो सभी सोसाइटीज आपको बात करो। तो अगर आप जो क्वेश्चन लिखते हो तो प्लीज इस पे भेज दीजिए edugurukul93@gmail.com। तो जो आप आई होप जो कंसेप्ट आप यूज करोगे पेपर टू में, तो थैंक यू क्लास। तो आप अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलती रहे। थैंक यू क्लास।